सबको नमस्कार प्रणाम। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए दोस्तों। तो मैं गोरखपुरिया भौजी पे बात करने जा रही हूँ दोस्तों। गोरखपुरिया भौजी मेरे दोस्त है, हम लोग शुरू से उनका वीडियो देखते आ रहे हैं दोस्तों। सभी लोग मिल के उनका सपोर्ट कीजिए, वो मेरे दोस्त है। और मौलिक थाने प्रशासन से निवेदन है हम लोग का कि एक बार वहाँ का सीसीटीवी कैमरा को आप लोग फुटेज को निकालिए और अच्छे से जांच कीजिए दोस्तों। सर की पुलिस सर आप लोग अच्छे से जांच कीजिए कि उसमें जांच करेंगे तो खुद मालूम चल जाएगा कि गोरखपुरिया भौजी कब आए हैं, आपको क्या वो आके उसमें क्या कर रही हैं। वो सबको मना रही थी कि लड़कों में दो चार वीडियो में देखी हूँ तो सर यही देखी हूँ कि गोरखपुरिया भौजी सबसे पीछे गई हैं और सबको सबका शरीर अपने दुपट्टे से शरीर ढक रही थी, मनाने का काम कर रही थी हिंदू माताओं लोग को। लेकिन उसने कुछ भी पूरा बताव नहीं किया। और किन्नर भी वो लोग किन्नर माता लोग भी अपना सबूत रख रहे हैं कि राधा राज गोरखपुरिया भौजी और गोलू भाई का कोई उसमें हाथ नहीं था, सब गलती ये लोग की है। ये लोग अपना गलती कबूल कर रहे हैं, मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर ले रहे हैं है। और माफी क्षमा के पिताजी भी यही बात बोल रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी सबसे पीछे आई हैं, लास्ट में आई हैं, आई हैं तो किन्नर माताओं को मनाने का काम कर रही हैं, उन लोगों का शरीर ढकने का काम कर रही हैं, ना कि आप लोग के आप लोग के विषय में कुछ बात गलत गलत बोली है। तो पुलिस प्रशासन से यही हम लोग का निवेदन है कि मौलिक थाने का एक बार सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकाल कर अच्छे से जाँच कीजिए सर। सर आप लोग एक निर्दोष को मत उसमें फंसाइए। तीन ही बेटियाँ रो रही हैं घर पे और बहुत परेशान है, बच्चे लोग का तबियत खराब है। सर आप लोग से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अच्छे से सीसी कैमरा फुटेज निकाल करते हैं, जाँच कीजिए और जो उनको आप लोग को अच्छा लग रहा है आप लोग देखेंगे सीसीटीवी कैमरा फुटेज में तो खुद मालूम चल जाएगा कि गोरखपुरिया भौजी का कोई उसमें हाथ नहीं था। उसकी मालिक के पिता बुलाए थे तो वो गई थी और वहाँ जाने के बाद देखिए कि हंगामा हो रहा था, किन्नर माताओं लोग हंगामा कर रही थी, उसमें जाकर मनाने का काम किया। हम लोग आप लोग के खिलाफ नहीं जाएंगे, हम लोग कानून से बढ़ के नहीं हैं, कानून के दायरे में ही रहकर सबको काम करना चाहिए। तो यही पुलिस प्रशासन से विनती है हमारी कि एक बार मौली थाने का सीसीटीवी कैमरा निकालिए और जांच कीजिए सर। अब ज़्यादा हम क्या बोले, हम लोग तो उतना कानून की विषय में जानकारी नहीं है, हम लोग बात कर पाएंगे। लेकिन सर से यही आप हम लोग की गुजारिश है, गुहारना चाहती हूँ कि ये जो यूट्यूब भाई लोग हैं, यूट्यूबर लोग आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, ये सब अच्छा नहीं लग रहा है भाई। आप लोग आपस में गाली मत दीजिए, जो भी कोई बात है तो आपस में एक पास मिल के बातचीत कर लीजिए, उसका अच्छा सा निवारण निकल जाएगा, आप लोगों में कोई झगड़ा तगड़ा भी नहीं रहेगा। और जो आप लोग बोला बोली कर रहे हैं तो ठीक है कि अपने ही तक कीजिए, इसमें बेटा और बेटी को मत लीजिए, छोटे बच्चे या बेटी और बेटियों को मत लीजिए उसमें। आप लोग समझ के चलिए कि एक बच्चे को लेना वो भी गलत बात है, एक बेटी को नाम रखना है मतलब वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे को सोशल मीडिया पर करना वो भी अच्छी बात है दोस्तों, वो गलत बात है। तो बच्चे बच्चियों का यूट्यूब पे नाम मत लीजिए, बच्चे बच्चियों को लगा के गाली गलौज मत कीजिए। आप लोग अच्छे ढंग से बातचीत करके मिल जाइए, आप लोग एक हो जाइए। हम लोग से यही गुजारिश है कि आप लोग झगड़ा तगड़ा मत कीजिए, सब लोग मिल के रहिए। सब लोग तो यूट्यूब किसी का तो है नहीं, यूट्यूब तो यूट्यूब से सब लोग कमाते हैं। तो आप लोग किसी चीज का झगड़ा नहीं है, फिर भी यूट्यूब पर झगड़ा बच्चों को गाली दिया जा रहा है, बच्चे को लगा के बच्चियों को लगा के आप लोग गाली गलौज ना कीजिए, झगड़ा ना कीजिए।